नमो नमः मित्राणि, एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां अपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। आप जानते ही हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक पदों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है, जैसे छात्रः वदति, अर्थात छात्र बोलता है। यहाँ एक वचन का प्रयोग है, अतः छात्रः के साथ इसके अनुरूप वदति यह क्रिया भी एक वचन की ही है। अब यदि हमें कहना हो कि बहुत से छात्र बोलते हैं, तो हम कहेंगे छात्राः वदन्ति, छात्राः वदन्ति। संस्कृत की पाठशाला में हम क्रियाओं के बहुवचन रूपों को सीखेंगे, परंतु उससे पहले आज लकार, पुरुष एवं वचन के विषय में भी जान लेते हैं। संस्कृत में क्रियापद किसी धातु से बनता है, जैसे पठ धातु से बनता है पठति, लिख से बनता है लिखति, गम धातु से बनता है गच्छति आदि। ये क्रियापद वर्तमान काल में बनते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि एक क्रियापद किसी काल विशेष, वचन एवं पुरुष को बताता है, तो मित्रों आपको बता दें कि संस्कृत में लकार 10 हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लृंग लकार। इन सभी की चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे, पर अभी हम वर्तमान काल से अपना अध्ययन आरंभ कर रहे हैं और वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं वचन की। सामान्य रूप से हमने एक वचन एवं बहुवचन का प्रयोग ही सुना है, पर संस्कृत भाषा में वस्तुतः वचन 3 हैं। यहाँ एक वचन और बहुवचन के साथ साथ द्विवचन भी है। भारतीय परंपरा में युग्म या यूं कहें कि जोड़े की परंपरा के कारण यह द्विवचन बना, ऐसा कहा जा सकता है। दंपति पद दोनों का अर्थ देता है, पति और पत्नी का। ऐसे ही पितरौ शब्द से माता और पिता दोनों का बोध होता है। वचन का अभिप्राय प्रायः सभी को ज्ञात ही है। एक वचन में कर्ता एक होगा, द्विवचन में दो कर्ता और बहुवचन में 3 या 3 से अधिक कर्ता होंगे। इसी प्रकार संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष संबद्ध है मैं, अर्थात स्वयं बोलने वाले वक्ता से। मध्यम पुरुष संबद्ध है तुम से, अर्थात उपस्थित समकक्ष कोई या अनुजकल्प हो, अर्थात जो हमसे कोई छोटा हो। और प्रथम पुरुष, जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, यह संबद्ध है आप से, या यूं कहें कि अपने से वरिष्ठ, जो प्रत्यक्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंग्रेजी में इसके लिए थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मैं और तुम से भिन्न जो है वह प्रथम पुरुष है। तो कुल मिलाकर संस्कृत में लकार 10 हैं, वचन 3 हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष भी 3 हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। इसके साथ साथ संस्कृत में लिंग भी 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। इनके प्रयोगों को हम क्रमशः अपनी संस्कृत कक्षा में जानेंगे। अभी तक हमने प्रथम पुरुष एक वचन के वाक्य बनाए हैं। अब सीखी हुई एक वचन की क्रियाओं के बहुवचन रूपों को हम जानेंगे एवं तदनंतर अग्रिम कक्षाओं में वाक्य बनाएंगे। मैं पहले एक वचन की क्रिया बोलूंगा और बाद में उसका बहुवचन रूप भी 2 बार बोलूंगा। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनते हुए अभ्यास करते रहिए। क्रिया है नमति, अर्थात प्रणाम करता है। इसका बहुवचन रूप बनेगा नमन्ति, नमन्ति अर्थात प्रणाम करते हैं बहुत सारे लोग, 3 या 3 से अधिक लोग। वदति अर्थात बोलता है, इसका बहुवचन बनेगा वदन्ति, वदन्ति अर्थात बोलते हैं, बोलते हैं। यह क्रिया बहुवचन में है, स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे छात्र या बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं। पश्यति अर्थात देखता है, इसका बहुवचन बनेगा पश्यन्ति, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। पृच्छति अर्थात पूछता है, पृच्छन्ति, पृच्छन्ति अर्थात पूछते हैं। गच्छति जाता है, एक वचन है तो स्वाभाविकतया कर्ता कोई एक ही होगा, इसका बहुवचन बनेगा गच्छन्ति, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं।
क्रिया है धावती अर्थात दौड़ता है। इसका बहुवचन रूप बनेगा धावंती, धावंती अर्थात दौड़ते हैं। हमने सीखा कि वर्तमान काल एक वचन की क्रिया में ती के स्थान पर अंती शब्द का प्रयोग कर देने से बहुवचन की क्रिया बन जाती है। मित्रों आज के लिए इतना ही। सिखाए अंशों का जोर जोर से बोलकर आप करें अभ्यास। पुनः मिलामः। नमो नमः। भवेत् तावत् शुभम मंगलम। सनातन परंपरा में नवरात्र